और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जो दोस्तों टारगेट मिला है वो यहाँ पर जो कि जाफना किंग्स ने के सामने दोस्तों जो टारगेट है वो बहुत ही बेहतरीन टारगेट है और उस टारगेट को दोस्तों हमें सलाम करना चाहता हूँ। मगर देखना होगा कि जाफना किंग्स किस तरह से इस टारगेट से पार पा पाती है, क्योंकि बता दें कि ये बहुत ही बड़ा टारगेट है इस पिच पर। क्योंकि बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि वी लव कैंडी इस टारगेट को यहाँ पर छू नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके जो विकटों का पतन था वो लगातार से विकटों का पतन जारी था। मगर यहाँ पर क्या बेहतरीन पर पारी खेली मोहम्मद हैरिस ने। और उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि टीम का इसको दोस्तों अभी तक यहाँ पर लास्ट की यहाँ पर क्रिस लेन ने कदमों का इस्तेमाल करके एंजेलो मैथ्यूज की आखिरी बॉल पर लगाया है दोस्तों ऑन द राइट शॉट। और इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल पर यहाँ पर मिल जाएगा चौका, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि 6 पर 6 के साथ दोस्तों बता दे कि आने वाले समय में देखो तो किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दे कि वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और यहाँ पर 6 रन हो चुके हैं टीम का स्कोर, 114 बॉलों में यहाँ से 183 रन की आवश्यकता। साथ यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर में टीम का स्कोर बन चुका है 6 रन। अब यहाँ से 114 बॉलों में यहाँ पर 183 रन की आवश्यकता है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसी के साथ में मुजीबुर रहमान यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और अगर मैं जाफना किंग्स की अगर मैं बात करूँ भी माफी चाहूँगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर वी लव कैंडी की बात करें तो वी लव कैंडी ने पिछले मैच की शुरुआत कुछ इसी तरीके से करी थी। यहाँ पर मुजीबुर रहमान ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, यहाँ पर देखने का किस रन करेंगे। इसी के साथ में मुजीबुर रहमान ओवर द विकेट से अगली बॉल लेकर आए। ऑफ स्पिन यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए चरित्र श्रीलंका ने इस बॉल को दोस्तों लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया। इसी के साथ जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तब तक आसानी से 1 रन देखने को मिलेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 7 पर बिना किसी नुकसान पर। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी का यहाँ पर देखने को मिल रही है और हम चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिले। और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि मुजीबुर रहमान एक बार फिर से दोस्तों गेंद लाने के लिए तैयार है। इस बार दोस्तों सामना करा जाएगा चरित्र श्रीलंका के द्वारा। देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर चरित्र श्रीलंका किस तरह से इस बॉल को दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। इसी साथ मुजीबुर रहमान अगली बॉल को लाने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है दोस्तों। जहाँ पर चरित्र श्रीलंका ने दोस्तों वहाँ पर मिड ऑन के ऊपर से पीछे खिलाड़ी मौजूद है और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पहला विकेट हमें देखने को मिलेगा। चरित्र श्रीलंका के मुजीबुर रहमान आए और यहाँ पर आते ही दोस्तों विकेट की जो दरकार थी वो हमें देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो विकेट है वो विकेट देखने को मिला। इसी के साथ यहाँ पर 6 रन पे यहाँ पर मात्र 6 ही रन के निजी स्कोर पर यहाँ पर पहला विकेट हमें देखने को मिला है। तो इसी के साथ में चरित्र श्रीलंका ने यहाँ पर 6 बॉलों में 1 रन बनाकर अपना दोस्तों विकेट है वो मुजीबुर रहमान को दिया। और कहीं ना कहीं चरित्र श्रीलंका थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। पहले ओवर में भी दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए और यहाँ पर मुजीबुर रहमान के दोस्तों बता दें कि उस पर भी यहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो दबाव का कारण बिल्कुल बनता नजर आ रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि पहला विकेट गिर चुका है और बहुत ही बड़ा दोस्तों विकेट था कि चरित्र श्रीलंका एक ऐसे कैप्टन थे जो दोस्तों अच्छी गति के साथ रन बना सकते थे, मगर देखा जाएगा किस रन करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। रहमानुल्लाह गुरबाज दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। वैसे रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हैं मगर इनको दोस्तों 3रे नंबर पर भेजा गया है। और यहाँ पे क्रिस लिन की जो वापसी है दोस्तों वापसी करी गई जिसके कारण उनको तीसरे नंबर पे आना पड़ा रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर मैं बात करूँ। और इसी के साथ दोस्तों देखा जाएगा कि मुजीबुर रहमान ने यहाँ पर कोई भी विकेट अभी तक दोस्तों यहाँ पर रन नहीं दिया और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों उन्होंने यहाँ पर गेंदबाजी करके दिखाया। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर 6 रन हो चुके हैं ये विकेट के नुकसान पर। रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी पहली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं, सामने हैं खिलाड़ी। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं, सामने करेंगे दोस्तों यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज के सामने यहाँ पर रहमान है, ओवर द विकेट से अगली बॉल लेकर आए। ऑफ स्पिन एक बार फिर से गेंद करी गई थी मगर इस बार सीधे बल्ले से खेला गया है, लॉन्ग ऑन की तरफ रन लेने का कोई भी मौका नहीं मिला। और इसी के साथ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दबाव यहाँ पर क्रिएट करा जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल फिर से तैयार है मगर वी लव कैंडी के कप्तान यहाँ पर बातचीत करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज से माफी चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर रहमान से
इसी के साथ में अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा गुरबाज की द्वारा। अगली बॉल दोस्तों ओवर द विकेट से, अगली बॉल फ्लैटेड बॉल, कदमों का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है दोस्तों लॉन्गॉन के ऊपर से। ये बहुत ही लंबा छक्का दोस्तों, बता दें कि आपको 75 मीटर लंबा ये छक्का लगाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन छक्का देखने को मिला है रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि आखिरी बॉल डॉट देखने को मिली। और आपको बता दें कि यहाँ पर दो ओवर समाप्त हो चुके हैं, दो ओवर में टीम का स्कोर पहुँच चुका है 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी दो ओवर शेष बचे हैं और देखा जाएगा कि लास्ट के दो ओवरों में यहाँ पर क्योंकि शुरुआती जो कि करंट रेट पे आप नज़र बना के रखेंगे कि करंट रेट यहाँ से 6 का चल रहा है, तो वहीं रिक्वायर्ड रेट पे आप नज़र बना के रखेंगे तो रिक्वायर्ड रेट यहाँ से 9.83 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दिक्कत का सामना जरूर है यहाँ पर रन रेट को लेकर, मगर क्रिस लिन और रहमानुल्लाह गुरबाज इस किस्म के बल्लेबाज हैं कि वो ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर देखा जाएगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी कर पाते हैं या नहीं देखना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ आपको गेंदबाजी करते नज़र आएंगे। और देखा जाएगा कि दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ ने पिछले ओवर में हमें ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते देखा, यहाँ पर देखा गया था क्या। इस बार दोस्तों बता दें कि फिर से यहाँ पर ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगर बता दें आप लोगों को एक ही छोर से अगर लगातार यहाँ पर गेंदबाजी करते रहेंगे एंजेलो मैथ्यूज़ तो क्रिस लिन उनके ऊपर दोस्तों दबाव डाल सकते हैं। तो क्रिस लिन देखा जाएगा किस तरह से हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में एंजेलो मैथ्यूज़ अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामना करा जाएगा दोस्तों यहाँ से क्रिस लिन के द्वारा। क्रिस लिन दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही यहाँ पर ताकतवर ताबड़तोड़ दोस्तों खिलाड़ी। इसी के साथ में अगली बॉल ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला गया है और यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाई थी दोस्तों। बिल्कुल मूड बनाया था यहाँ पर क्रिस लिन ने दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का, क्योंकि बता दें कि लॉन्ग ऑन का जो यहाँ पर बाउंड्री है वो उतनी दोस्तों यहाँ पर लंबी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बल्लेबाज जाता है दोस्तों वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि बता दें कि लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी छोटी है। और इसी के साथ बता दें कि पहली बॉल पर आ चुका है सिंगल। अभी भी दोस्तों बता दें कि 5 ओवर का खेल यहाँ पर 5 गेंदों का खेल बचा है एंजेलो मैथ्यूज़ के द्वारा। और देखेंगे कि एंजेलो मैथ्यू रहमानुल्लाह गुरबाज को किस तरह से यहाँ पर फेस करेंगे। और रहमानुल्लाह गुरबाज और क्रिस लिन की अगर साझेदारी होती है तभी ये मैच बनेगा, वरना ये मैच बन नहीं सकता, क्योंकि बता दें कि धीरे धीरे यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। अगर यहाँ से एक और विकेट गिरा और यहाँ पर अगर आप चाहें वो रहमानुल्लाह गुरबाज हो चाहे वो क्रिस लिन हो। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा। एंजेलो मैथ्यूज़ ओवर द विकेट से तैयार है, पटकी हुई गेंद गुड लेंथ पे दोस्तों गेंद को पटका, कदमों का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है दोस्तों बैक फुट पर। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी है बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर बेहतरीन फील्डिंग के चलते दोस्तों 2 रन तो ले लिए गए हैं यहाँ पर गेंद बल्लेबाजों के द्वारा। 3रा रन भी यहाँ पर दौड़ लिया है क्या दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 3 रन तो दोस्तों यहाँ पर ले लिए गए हैं यहाँ पर, मगर थर्ड अंपायर है वो बाउंड्री चेक करी जाएगी, रखी जाएगा कि यहाँ पर बाउंड्री चेक, मगर मेरे हिसाब से बाउंड्री होगी नहीं। और यहाँ पर तभी यहाँ पर जो ऑन फील्ड अंपायर है वो थर्ड अंपायर के पास यहाँ पर निर्णय को भेजेंगे जरूर, वो देखेंगे कि यहाँ पर क्या यहाँ पर गेंद लगाया, मगर आपको तरह के यहाँ पर बाउंड्री तो नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर जो कि गुरबाज है वो लगातार कदमों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बता दें कि कदमों का इस्तेमाल इसलिए करा जा रहा है कि यहाँ पर इस पिच पर यहाँ पर उतनी गति नहीं है, यहाँ पर गेंद रुक कर आ रही है। तो दोनों बल्लेबाज चाहे वो यहाँ पर क्रिस लिन हो चाहे वो यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज है, लगातार दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो कि गेंदबाजों के सामने नजर आएंगे। और शुरुआती अगर मैं बात करूँ चरित श्रीलंका भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर नए नए आए थे दोस्तों, 3 बॉलों का सामना करा था, 4 बॉलों का सामना करा था उन्होंने। और 4 बॉलों में दोस्तों बता दें कि 4 बॉलों में एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जिन्होंने दोस्तों बता दें कि कदमों का इस्तेमाल करा हो, बिल्कुल भी कदम नहीं चले थे। और दोस्तों आते ही दोस्तों बहुत ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी, मगर जो बल्ले गेंद का संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क नहीं हुआ और आखिरकार दोस्तों चरित श्रीलंका एक बार फिर फेल हो गए। और इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है 17 पर 2 विकेट के नुकसान पर। रहमानुल्लाह गुरबाज 5 बॉलों में यहाँ पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, उसी के साथ में क्रिस लिन भी यहाँ पर 5 बॉलों में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा, जरूर पानी पी लूँ मैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से इस ओवर की 5वीं बॉल एंजेलो मैथ्यूज़ लेकर तैयार है। अब तक एंजेलो मैथ्यूज़ ने 4 बॉलों में 3 for 3 भी, मैं माफी चाहूँगा दोस्तों, 5 बॉलों में जो रन दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए हैं। एक और यहाँ पर बेहतरीन ओवर हमें नज़र आ रहा है दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज़ की तरह, मगर देखा जाएगा कि यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज किस तरह से हमें दोस्तों बल्लेबाजी करते देखेंगे।
अगर रहमान अल अग्रवाल दोस्तों आखिरी बॉल पर अगर बड़ा शॉट लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो रन रेट है वो यहाँ पर चलता रहेगा। अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों अच्छी तरीके से अगर बल्लेबाजी करते हैं और दोनों बल्लेबाज उस किस्म के बल्लेबाज हैं कि अगर दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों अगर दोनों यहाँ पर इस पिच को अगर समझ लिया दोस्तों ये मुकाबला यहाँ पर 18 ओवर में ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ में एंजेलो मैथ्यूज तैयार रहेगा फिर से गेंद लाने के लिए। इस बार देखा जाएगा कि एंजेलो मैथ्यूज किस तरह से करेंगे, क्योंकि बता दें कि यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज ने जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी कर रहे थे वहाँ पर बहुत ही डिसेंट यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है एंजेलो मैथ्यूज ओवर द विकेट से। दोस्तों बता दें कि ओवर द विकेट से गेंद लेकर आ रहे हैं यहाँ पर बैक ऑफ लेन, पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल, जड़ दिया है दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक बार फिर से यहाँ पर 2 छक्के लगाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर गुरबाज के बल्ले से, मगर दोनों दोस्तों बता दें कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसी के साथ में 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर में जड़ दिया है यहाँ पर 23 रन विकेट के नुकसान पर जाफना किंग्स। दोस्तों बता दें कि अभी भी इस मैच में बनी हुई है, एक समय ऐसा लग रहा था कि जाफना किंग्स बिल्कुल दोस्तों इस मैच से यहाँ पर बाहर हो चुकी है, क्योंकि बता दें कि ऐसा नहीं लग रहा था कि जाफना किंग्स के जो बल्लेबाज हैं वो इतने खतरनाक हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जाफना किंग्स ने दोस्तों बहुत यहाँ पर क्योंकि अपनी बॉलिंग से मैच जीते हैं, यहाँ पर रन चेस करते हुए ज़्यादा मैच नहीं जीते हैं इस बार। और इसी के साथ में आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर 102 बॉलों में 166 रन की आवश्यकता है। रमन गुरवा 7 बॉलों में दोस्तों यहाँ से 115 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर क्रिस लेन भी दोस्तों यहाँ पर खेल रहे हैं। इसी समय एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर वी लव कैंडी के जो कप्तान हैं यहाँ पर मैं बिंदु होशंगा वो यहाँ पर मुजीबुर रहमान को लेकर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर यहाँ पर ऑफ स्पिन, कदमों का इस्तेमाल, इन साइड आउट और 1 बाउंस दोस्तों चौका। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर 4 रन की बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ में जाफना किंग्स पहुँच चुके हैं 27 पर और धीरे धीरे दोस्तों टारगेट के करीब बढ़ती हुई है। और यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों घटता हुआ, करंट रन रेट बढ़ता हुआ। और आपको बता दें कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी चालू है और देखने को किस तरह से दोस्तों करें यहाँ पर क्रिस लेन और एक तरफ यहाँ पर रहमान अल गुरबाज दोनों दोस्तों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर इस यहाँ पर वी लव कैंडी को ये मुकाबला जीतना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर पवेलियन की राह पर भेजना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्रिस लेन और रहमान अल गुरबाज और डेविड मिलर दोस्तों 3 बल्लेबाज ऐसे हैं यहाँ पर जो कि जाफना किंग्स के यहाँ पर खेमे में, जो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मैच का या दोस्तों बता दें कि अंतिम जब तक ये आउट नहीं हो जाते तब तक ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैच यहाँ पर कोई और टीम जीत चुकी है, क्योंकि ये बल्लेबाज दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रिस लिन का बदला अगर चलता है दोस्तों तो यहाँ ये मैच यहाँ पर 18 ओवर में आप देख लें कि ख़त्म हो जाएगा। अगर रहमान अल गुरबाज का भी दोस्तों बल्ला चलता है तो भी आप मैच देख लें ख़त्म हो जाएगा। अगर डेविड मिलर आते हैं, अगर किलर मिलर, तो किलर मिलर के बारे में दोस्तों जितना है अगर कहें आप जानते हैं उनके बारे में कुछ ही बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उनका जो आईपीएल में दोस्तों आप जानते हैं कि वो यहाँ पर कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हमें देखने को मिला है दोस्तों अभी तक जो कि 28 पर हो चुका है विकेट के नुकसान पर, मगर दोस्तों बता दें कि पहली बॉल पर यहाँ पर चौका खाने के बाद यहाँ पर लगातार 200 डॉट गेंद का जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाए, मगर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमें क्योंकि लगातार पहली बॉल पर चौका फिर डॉट गेंद फिर दोस्तों लेग वाइड का सिंगल रन प्राप्त हुआ, उसके बाद दोस्तों डॉट गेंद लगातार डॉट गेंदों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर रहमान अल गुरबाज ने इस बॉल को दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से ओवर की आखिरी बॉल पर यहाँ पर लगा दिया है स्लॉक स्वीप, मगर इस बार दोस्तों बता दें कि बल्ला हाथ से घूम गया था, मगर बता रहे दोस्तों बल्ला तो हाथ से छूटा था मगर टीम का दोस्तों साथ नहीं छूटा था। और इसी के साथ में 4 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में टीम का स्कोर पहुँच चुका है 32 पर एक विकेट के नुकसान पर और 96 बॉलों में यहाँ पर 197 रन की आवश्यकता है। करंट रन रेट यहाँ से चलता है 8 का, रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर 9.81 का चलता हुआ। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बल्लेबाजी बहुत ही धाकर तरीके से आगे बढ़ती हुई, क्रिस लिन 8 बॉलों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं, गुरबाज यहाँ पर 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और यहाँ पर क्रिस लिन 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर क्रिस लिन दोस्तों बता दें कि पावर प्ले के लास्ट के 2 ओवर बचे हैं, मतलब 12 गेंदें बची हैं यहाँ से, अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों 12 गेंदों में अगर 20 से 25 रन बना लेते हैं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जाफना किंग्स वो पूरी दोस्तों इस मैच में कब्जा कर लेंगे, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि 96 बॉलों में सिर्फ यहाँ से 197 रन की यहाँ पर 197 रन की आवश्यकता है और जो रिक्वायर्ड रेट है वो यहाँ पर 10.5 का है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगर विकेट यहाँ से नहीं खोती है जाफना किंग्स तो बिल्कुल दोस्तों इस मैच में भी जो पकड़ है वो जाफना किंग्स की है, मगर यहाँ पर जो निगाहें होंगी वो यहाँ पर कप्तान पर होगी बिंदु होशंगा के। अगर कप्तान बिंदु होशंगा दोस्तों अगर विकेट निकालने में अगर कामयाब होते हैं दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पर जो कि वी लव कैंडी इस मैच को जीत जाएगी, और ना वी लव कैंडी के दोस्तों तक ये मैच जीत नहीं पाएगी।
और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर यीशु उडाना आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी की गेंदबाजी करने के लिए। और ये बहुत दोस्तों बता दें कि ये बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा दोस्तों कि यीशु उडाना यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रन हमें लुटाते हुए दिख सकते हैं क्रिसलिन और यहाँ पर रहमतुल्ला गुरबाज के सामने। इसी के साथ में दोस्तों ओवर द विकेट कदमों पहली बॉल पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, मगर यहाँ पर थोड़े से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अच्छी किस्मत लेकर आए थे पहली बॉल पर यहाँ पर यीशु उडाना, जिसके कारण दोस्तों बल्ले गेंद का जो संपर्क होना चाहिए था वो संपर्क नहीं देखने को मिला है और सिक्स रन में डॉट गेंद हो चुकी है। अभी भी 5 बॉलें बची हैं, कम से कम दोस्तों 12 रन का ओवर हमें देखने को मिल रहा है। मेरे नज़र से दोस्तों 12 रन का ओवर देखने को मिल रहा है और देखा जाएगा किस रन करेंगे। इसी सर में यीशु उडाना अगली बॉल लेकर तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि मैंने सोचा, मेरे को लग रहा था यीशु उडाना यहाँ पर 12 रन देंगे, एक बड़ा ओवर देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पर यीशु उडाना को मेरी बात शायद बुरी लग गई, जिसके कारण दोस्तों बता दें कि उन्होंने यहाँ पर दूसरी ही बॉल पर यहाँ पर दोस्तों बता दें कि क्रिसलिन ने यहाँ पर शॉट लगाया था पॉइंट की दिशा में, मगर यहाँ पर जो कि रहमतुल्ला गुरबाज काफ़ी जल्दी में लग रहे थे, यहाँ पर देखा ही नहीं क्रिसलिन को और क्रिसलिन ने दोस्तों बता दें कि मना करा तब तक यहाँ पर हाफ पिच पर पहुँच चुके थे, जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रहमतुल्ला गुरबाज दोस्तों आउट हो चुके, रनआउट हुए, रनआउट के रूप में दोस्तों हमें विकेट देखने को मिला था। और इसी के कारण जैसे दोस्तों विकेट गिरा है और लगातार जो डॉट गेंदों का जो जवाब है वो यहाँ पर नजर आ रहा है क्रिसलिन के ऊपर। क्रिसलिन 12 बॉलों में दोस्तों 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डेवॉन के, तो डेवॉन दोस्तों अभी यहाँ पर आए हैं और ये दोस्तों बता दें कि डेवॉन से पहले यहाँ पर डेविड मिलर देखने को हो सकते थे, क्या डेविड मिलर का दोस्तों यहाँ पर आगमन हो सकता था, मगर डेविड मिलर नहीं आए हैं दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। देखा जाएगा कि डेविड मिलर कब हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में 92 हो चुका है टीम, 92 बॉल्स बची हैं, 157 रन की आवश्यकता है। करंट रन रेट यहाँ से 6.86 का चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 10.24 का चलता हुआ धीरे धीरे मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं भाई लोगों। और इसी तरह में दोस्तों हम लोग कमेंट करते रहिए कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, क्या सपोर्ट करते रही है। और जाफना किंग्स यहाँ पर 33 बॉलों में दोस्तों 2 यहाँ पर विकेट गिर चुके हैं, अभी भी दोस्तों 5वीं बॉल लेकर तैयार हैं। सामने बल्लेबाजी हैं डिवान, और देखा जाएगा कि डिवान किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। बता दें कि यहाँ पर इस ये इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ पर करो या फिर मरो, ये वाला इंपॉर्टेंट मैच है भाई। अगर इस मैच को यहाँ पर अगर भाई कर देते हो तो जाओगे दोस्तों आगे, वरना वापस अपने घर पर जाओगे, एक साल बाद फिर यहाँ पर आना, फिर मेहनत करना, फिर जाना यहाँ पर जो कि फाइनल में। अगर दोस्तों जो भी टीम इस मैच को यहाँ पर अच्छा खेलेगी दोस्तों वो यहाँ पर जीतेगी। यहाँ पर बल्लेबाजी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि विल ऑफ कैंडी ने बहुत अच्छी करी है। बारी यहाँ पर जाफना किंग्स की, कि देखेंगे कि जाफना किंग्स दोस्तों यहाँ पर अच्छा खेलती है तो जीतेगी, वरना दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से दोस्तों जाफना किंग्स हमें दोस्तों देखने को मिलेगी यहाँ पर बाहर की। और इसी के साथ बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है
34 पर 2 विकेट के नुकसान पर, मगर ईशु उडाना ने बहुत ही अच्छी दोस्तों गेंदबाजी करके दिखाई है। 5 बॉलों में 3 पर 3 यहाँ पर 2 रन दिए। इस एक्शन में आखिरी बॉल पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल लगातार यहाँ पर क्रिस लिन के द्वारा कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखा गया है, मगर यहाँ पर ईशु उडाना भी दोस्तों बहुत ही यहाँ पर अनुभवी यहाँ पर गेंदबाज है। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर श्रीलंका प्रीमियर लीग में और यहाँ पर दुनिया भर की टीमों में दोस्तों यहाँ पर भाग लेते हैं और इसी तरह दोस्तों अपने अनुभव का इस्तेमाल करा है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर, 13 बॉलों में दोस्तों 12 रन की आवश्यकता है। अब 90 बॉल्स में मतलब 155 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 10.5 का चल रहा है और करंट रन रेट दोस्तों 7 से भी नीचे है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तेज़ बल्लेबाजी करनी होगी जो हम जाफना किंग्स के बल्लेबाजों को चाहें। दोस्तों बता दें कि अभी भी यहाँ से पावर प्ले का 1 ओवर बचा है और डेवॉन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो डेवॉन अभी भी यहाँ है, तो यहाँ पर डेवॉन को दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी दोस्तों कि यहाँ पर इस पिच को समझने के लिए, क्योंकि बता दें कि ये पिच यहाँ पर उतनी हरकत नहीं कर रही है यहाँ पर उतनी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करनी पड़ी, मगर देखा जाएगा। इसी किसान में दोस्तों अगला ओवर लेकर यार सामने दोस्तों एक बार फिर से स्ट्राइक आ चुके हैं क्रिस लिन के पास, का यहाँ पर देखना होगा किस तरह करेंगे। मगर मेरे हिसाब से डेवॉन से पहले आप किलर बिलर को लेके आ सकते थे। इसी किसान में यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज को 3रा ओवर पावर प्ले में मिलता हुआ, और देखना होगा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज काफ़ी चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर मुजीबुर्रहमान की अगर मैं बात करूँ तो मुजीबुर्रहमान यहाँ पर जो कि जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में दोस्तों बहुत ही उमदा यहाँ पर बॉलिंग करके दिखाई थी, मगर उस फॉर्म को फिर यहाँ लेकर आए यहाँ पर जो कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अपनी 20 लाख कैंडी के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर क्रिस लिन के लिए ओवर द विकेट से तैयार है। गेंद देखना होगा किस तरह करते हैं दोस्तों। बता दें कि इस बार दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्पिन करी गई है दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। अभी भी दोस्तों सिंगल सिंगल से यहाँ पर मैच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों सिंगल सिंगल से कुछ यहाँ पर होगा नहीं दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर बूंद बूंद से यहाँ पर गागर बढ़ता है, सागर नहीं और भरना दोस्तों सागर है जाफना किंग्स के बल्लेबाजों को। तो इसी के साथ में यहाँ पर 2 गेंदें हो चुके हैं, 2 गेंदों में दोस्तों अभी तक यहाँ पर 2 ही रन प्राप्त हुए। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर अब इस बार यहाँ पर जो मुजीबुर्रहमान ने अपने छोर को बदला है। अभी तक दोस्तों ओवर द विकेट से आ रहे थे, अब इस बार दोस्तों राउंड द विकेट से गेंद लेकर आए। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकेट लेने की चाह यहाँ पर जताई जा रही है। दोनों यहाँ पर गेंदबाज की तरह लगातार दोस्तों अटैक करा जा रहा है, मगर यहाँ पर जो कि गेंद बल्लेबाज हैं दोस्तों वो सिंगल सिंगल के साथ यहाँ पर अच्छात्मक तरीके से इस मैच को आगे तक बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसी तरह में दोस्तों बता दें कि ओवर द विकेट से अगली बॉल लेकर तैयार है। सामने बल्लेबाज है दोस्तों यहाँ पर क्रिस लिन, और देखा जाएगा कि क्रिस लिन किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्रिस लिन ने यहाँ पर 14 बॉलों का सामना करा है, 14 बॉलों में से दोस्तों बता दें कि 11 बॉलों में उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करा है। इसी के साथ में मुजीबुर्रहमान अगली बॉल लेकर तैयार है, यहाँ पर देखा जाएगा किस तरह करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर एक बार फिर से दोस्तों स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, मगर दिशाहीन गेंद, और दिशाहीन गेंद के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बल्लेबाज भी बीट करेंगे, विकेट कीपर भी बीट करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर वाइट के प्लस और यहाँ पर 4 रन आते हुए, इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन चौका चौके के साथ यहाँ पर मतलब 5 रन आते हुए, इसी के 5 रन के साथ टीम का स्कोर पहुँच जाएगा यहाँ पर 42 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग दोस्तों बता दें मेरी बात सुन लीजिएगा। अब आपके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो वी लव कैंडी की जो टीम है उसके ओनर आपको पता है कौन है? आपको नहीं पता है वी लव कैंडी के ओनर, तो मैं आपको बता दूं कि वी लव कैंडी के ओनर कोई और नहीं हमें बॉलीवुड के दोस्तों हमारे संजय दत्त हैं। और दोस्तों बता दें कि वो भी इस मैच को यहाँ पर लुक्स ले रहे हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर संजय दत्त यहाँ पर वी लव कैंडी के ओनर हैं दोस्तों। लगातार वो अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जो स्टेज लीग का यहाँ पर जो कि सेकेंड लास्ट मुकाबला था तब भी यहाँ पर जो कि अपनी टीम को दोस्तों सपोर्ट करने आए थे, इस मैच भी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये पावर प्ले का आखिरी ओवर हमें महंगा नजर आता हुआ देख रहा है। और इसी के साथ में आखिरी बॉल पर यहाँ पर पांचवी बॉल पर लगाया गया है यहाँ पर लेट कॉट शॉट, और जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ एक और बेहतरीन चौका। इसी चौके के साथ यहाँ पर 185 बॉलों में 143 रन की आवश्यकता यहाँ पर है, और रिक्वायर्ड रन रेट 210 का चल रहा है यहाँ पर, जो कि करंट रन रेट धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर वृद्धि को यहाँ पर प्राप्त करती हुई। मगर देखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्रिस लिन आखिरी बॉल को किस तरह कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों आखिरी बॉल पर यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और आसानी से दोस्तों 1 रन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ से 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट के 14 ओवर बचे हैं, मतलब 84 गेंदें बची हैं, 84 गेंदों में देखेंगे कि टीम का स्कोर दोस्तों कितना बनता है। और 142
142 रन की आवश्यकता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई है क्रिश लिन ने, और अब तो अच्छे लैम्प, और आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज भी दोस्तों काफ़ी अच्छे यहाँ पर लैम्प में लग रहे थे, मगर यहाँ पर ख़राब किस्मत के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज है दोस्तों हमें रनआउट हो चुके थे, और इसी के साथ में 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर 47 दो विकेट के नुकसान पर दोस्तों। और ठीक था दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कप्तान विंदु हसरंगा अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, मगर मज़ा तो दोस्तों अभी आएगा कि यहाँ पर विंदु हसरंगा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर व्हील ऑफ कैंडी के सबसे दोस्तों बता दें कि सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। अगर दोस्तों बता दें कि ये गेंदबाज अगर विकेट निकालता है ना दोस्तों, तभी यहाँ पर जो कि व्हील ऑफ कैंडी इस मैच को जीतेगी, वरना दोस्तों व्हील ऑफ कैंडी इस मैच को जीत नहीं सकती है, क्योंकि बता दें कि विंदु हसरंगा के 4 ओवर दोस्तों इस मैच को यहां पर डिसाइड करा जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों यहां पर फेसबुक पर पहुंच रहे हैं दोस्तों, मेरे फेसबुक पर यहां पर फ्रेंड पूछ रहे हैं कि यहां पर जो कि व्हील ऑफ कैंडी के जो यहां पर ऑनर हैं वो कौन है। व्हील ऑफ कैंडी के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो कोई और नहीं, हमारे बॉलीवुड के संजय दत्त हैं दोस्तों। और इस संजय दत्त दोस्तों हमारी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि विंदु हसरंगा के पैडों पर गेंद पहली बॉल पर दोस्तों आ चुका है आसानी से 1 रन, इसी के साथ में दोस्तों डेवॉन के पास स्ट्राइक आ चुकी है, और डेवॉन ने यहाँ पर अचानक तरीके से दोस्तों यहाँ पर इस गेंद को खेला है, और 2 बॉलों में यहाँ पर मात्र अभी तक हमें 1 ही रन हमें देखने को मिला है। देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस रन खेलेंगे। विंदु हसरंगा अपनी 3री बॉल लेकर तैयार हैं, और देखा जाएगा डेवॉन क्या दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हाथ खोलेंगे। यहाँ पर विंदु हसरंगा के सामने अगर हाथ खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही संभाल के हाथ खोलने पड़ेंगे, वरना दोस्तों विंदु हसरंगा विकेट निकालने में दोस्तों देरी नहीं करेगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर विंदु हसरंगा तैयार है, वो एक बार फिर से दोस्तों अपने छोर को बदला है ओवर द विकेट से। अगली बॉल दोस्तों फ्लाइटेड बॉल, डेवॉन दोस्तों फ्लाइटेड बॉल देखकर ललचाए, मुंह में पानी आया, और इसी के साथ में पानी आने के साथ दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करके दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश जरूर करी गई थी, मगर गेंद गई पॉइंट की तरफ, लीडिंग है। और इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि तीसरा झटका यहाँ पर 48 रन के निजी स्कोर पर, और इसी के साथ में यहाँ पर विंदु हसरंगा ने अपनी तीसरी ही गेंद पर पहले ही ओवर पर निकाल दिया दोस्तों 3री विकेट, और इसी के साथ में धीरे धीरे शिकंजा यहाँ पर कसता नजर आ रहा है। जाफना किंग्स के दोस्तों टीम बिल्कुल यहाँ पर उनके दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर फर्स्ट हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि 18 अब माफी चाहूँगा दोस्तों बता दें कि लास्ट 48 पर यहाँ पर 48 गेंदों में 48 रन पर दोस्तों 3 विकेट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी, यहाँ पर जो कि गेंदबाजी चल रही है, और बहुत बढ़िया भाई, जितनी यहाँ पर काबिलियत तारीफ यहाँ पर बहुत अच्छी दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि विंदु हसरंगा की जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करके दिखाई है, जिस तरह से दोस्तों उन्होंने हमें दोस्तों जो एक बॉलिंग करके दिखाई है, और उसी के साथ में यहाँ पर 48 रन के निजी स्कोर पर जो हमें विकेट यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हुआ, और पावर प्ले समाप्त होने के साथ विंदु हसरंगा अपने अटैक पर आया दोस्तों, निकाल दिए यहाँ पर 3री बॉल पर यहाँ पर एक बेहतरीन विकेट, और उसी के साथ में आपको बता दें कि 48 रन यहाँ के निजी स्कोर पर गिरा है। 3रा विकेट देखने को दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाले बाज हमें सोहेल मलिक देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर डेविड मिलर को दोस्तों नहीं भेजा गया है इस टीम पर, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर पर, मगर एक बार फिर से दोस्तों सोहेल मलिक आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर सोहेल मलिक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि T20 के लिए दोस्तों यहाँ पर उतना अच्छा बल्लेबाज नहीं है जितना दोस्तों वनडे और टेस्ट के लिए, क्योंकि बता दें कि पिछले मैच में यहाँ पर सोहेल मलिक ने यहाँ पर मैच को नहीं जिता पाए थे दोस्तों 42 बॉलों में, यहाँ से 57 रन की आवश्यकता थी, सोहेल मलिक से बल्ले से रन नहीं निकले थे, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आउट हो चुके थे सोहेल मलिक। तो चाहेंगे दोस्तों सोहेल मलिक को ना भेजा जाए, और देखना होगा किस तरह करेंगे। इसी के साथ में टीम का स्कोर इसी सिंगल के साथ आते ही दोस्तों सिंगल बॉल पर ले लिया है सिंगल, इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से 49 पर 3 विकेट को नुकसान पर 80 बॉल में दोस्तों 140 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 10 का पहुँच चुका है। एक बार फिर तो दोस्तों विंदु हसरंगा के सामने आ चुके हैं क्रिश लिन, यहाँ पर विंदु हसरंगा ने दोस्तों यहाँ पर पैडों पर गेंद मारी थी, और मगर अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट का यहाँ पर फैसला दिया था, मगर देखा जाएगा कि विंदु हसरंगा किस रन करेंगे। इसी के समय दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं,
यहाँ पर देखें जाएगा कैसा करेंगे। सिक्स था दोस्तों, फ्लैट गेन एक बार फिर से दोस्तों, और इस बार दोस्तों यहाँ पर पिटारे से निकला है यहाँ पर स्लॉक स्वीप, मगर पैडो पर गेन अपील करी गई दोस्तों विकेट कीपर विंदो हसरंगा के द्वारा। और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हम पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दे दिया है आउट, और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में चौथा विकेट। भाई वाह वाह, क्या बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। इसी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते यहाँ पर बी लव कैंडी दोस्तों मेरे हिसाब से इस मैच में फाइनल की तरफ दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। सिक्सर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्रिस लिन ने यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों रिव्यू ली जरूर लिया है, अगर बल्ले का अगर थोड़ा सा किनारा अगर यहाँ पर दो आवाजें तो आई जरूर है, मगर देखना होगा कि बल्ला जमीन पर लगा है या दोस्तों बल्ला यहाँ पर पैड पर लगा है। और यार दोस्तों यहाँ पर दो आवाज़ जरूर आई है यहाँ पर, मगर यहाँ पर जो कि रिव्यू लिया गया है साथ क्रिस लिन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बल्ला है दोस्तों जो यहाँ पर गेंद में टच हुआ, अगर यहाँ पर गेंद से संपर्क हुआ है बल्ले का दोस्तों तो नॉट आउट रहेगा, मगर देखना अगर एक ही कारण से बच सकते हैं कि बल्ला लगा हो। और इसी के साथ दोस्तों वैसे यहाँ पर स्टंपों के सामने बिल्कुल पाए गए थे यहाँ पर, अगर थोड़ी सी भी गेंद अगर यहाँ पर लगेगी स्टंप में तो अंपायर कॉल्स के कारण यहाँ पर आउट हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पैडों पर अल्ट्राज में दोस्तों कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर इसी ओवर में गिरा है दूसरा विकेट, और यहां पर बिंदु हसरंगा रॉक स्टार, क्या बेहतरीन लियोन मेसी वाला स्टाइल करते हुए यहां पर बिंदु हसरंगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहां पर पांच बॉल में दो रन देकर दो इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं, और इसी के साथ में 49 पर पहुंच चुका है यहां पर खेमा, 49 के निजी स्कोर पर लगा दिया है यहां पर चौथा विकेट। और देखना होगा स्वयं मलिक दोस्तों अभी अभी आए हैं, और इसी के साथ दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिला रहा। ओ भाई ये लास्ट जोड़ी है, यहाँ से अगर कोई मैच जिता सकता है यहाँ पर जो कि जाफना किंग्स को, तो फिर वो यहाँ पर डेविड मिलर हैं या फिर दोस्तों स्वयं मलिक हैं, दोनों बल्लेबाजों में से दोस्तों यही आ रही है लास्ट जोड़ी है जो दोस्तों इस मैच को जिता सकती है, वरना कोई भी दोस्तों इस मैच को जिता नहीं सकती है। और हम चाहें दोस्तों कि ये लास्ट जोड़ी दोस्तों मैच को यहाँ पर अंत तक लेके जाए, और हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिले। और इसी के साथ दोस्तों बता रहे कि यहाँ पर रिव्यू लिया गया था और वो रिव्यू यहाँ पर गवा दिया है, यहाँ पर 79 बॉल में 140 की आवश्यकता है, और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे दोस्तों बढ़ चुका है 11 का पहुँच चुका है, मगर देखा जाएगा कि वहाँ पर पहली बॉल को दोस्तों किस तरह से करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बिंदु हसरंगा के सामने यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों डेविड मिलर। अगर मैं दोस्तों बता दें कि बिंदु हसरंगा को डेविड मिलर ने बहुत ज़्यादा खेला है IPL में दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर IPL में दोस्तों काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर खेलते आ रहे हैं। यहाँ पर पहले दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बिंदु हसरंगा RCB के लिए खेलते थे, अभी हम यहाँ पर RCB के लिए खेलते हैं, डेविड मिलर गुजरात के लिए खेलते हैं। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर काफ़ी बार दोस्तों नेट्स में यहाँ पर बॉलिंग करी है दोस्तों बिंदु हसरंगा ने यहाँ पर डेविड मिलर को, और देखना होगा किस तरह हम करते नजर आएंगे, मगर कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से दोस्तों जो टीम है वो जाफना किंग्स दोस्तों इस मैच को यहाँ पर बीट करती हुई नजर आएगी, मगर देखा देखा किस तरह करेंगे। और सिक्स साल में दोस्तों बता दें कि अगर मैं स्कोर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसको दोस्तों यहाँ पर 49-7 विकेट के नुकसान पर, मगर देखा देगा किस तरह से दोस्तों बल्लेबाजी करते नजर आएंगे यहाँ पर बल्लेबाज।
और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर पहुंच चुका है 52 पर 4 विकेट के नुकसान पर। डेविड मिलर 3 बॉलों में दोस्तों 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं शोएब मलिक की अगर मैं बात करता हूँ तो शोएब मलिक के यहाँ पर 4 बॉलों में दोस्तों 3 रन बना के खेल रहे हैं। इसी के साथ में शेहान यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर शेहान ने बहुत ही यहाँ पर किफायती ओवर डाला है। पहले ओवर में मात्र 3 रन देकर दोस्तों यहाँ पर दबाव क्रिएट कर दिया है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, चाहे वो डेविड मिलर हो चाहे वो शोएब मलिक हो। और इसी के साथ में यहाँ पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर के साथ टीम का स्कोर 52 पर 2 यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर दोस्तों हो चुके हैं। लास्ट के यहाँ पर 12 गेंदें बची हैं, लास्ट के 12 ओवर बची हैं, देखा जाएगा किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो भी 62 पर 204 विकेट के नुकसान पर, देखा जाएगा किस तरह से दोस्तों मैच को यहाँ पर आगे लेके बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा हो सकता है कि टीम यहाँ पर अच्छे मैनेजमेंट की ओर बढ़ती हुई नजर आए, मगर देखना होगा दोस्तों किस तरह करेंगे कि यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के पास क्या दोस्तों वो क्षमता है, क्या दोस्तों वो यहाँ पर कलाकारी है। मगर मैं कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डेविड मिलर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मैच बना सकता है। अगर यहाँ पर डेविड मिलर दोस्तों अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है कि यहाँ पर डेविड मिलर दोस्तों उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है अगर देखने को मिले हैं श्रीलंका पे, मैं लीग में बात कर रहा हूँ। मगर दोस्तों बता दें कि अगर से यहाँ पर डेविड मिलर अगर खड़ा हो गया ना भाई तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर रन बना सकता है और इसी के साथ दोस्तों ये मैच को भी जिता सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, यहाँ पर देखा जाएगा कि विंदु ओसरंग अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार है और यहाँ पर शोएब मलिक ने सीधे ओवर लेकर साथ खेला है। लोगों की तरफ आसानी से दोस्तों 1 रन देखने को मिला है, मगर देखा जाएगा कि डेविड मिलर किस तरह से विंदु ओसरंग के ऊपर अटैक करेंगे और उसी अटैक के साथ आपको बताया बने रही का हमारे साथ, देखा जाएगा कि अगली बॉल को किस तरह खेलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों जड़ दिया है यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर आसानी से 1 रन प्राप्त, वहाँ पर 1 रन तो आसानी से प्राप्त हुआ, दूसरे रन को भी दोस्तों आसानी से प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों टीम का स्कोर पहुंच चुका है यहाँ पर। और सिक्स दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 9 ओवर हो चुके हैं और यहाँ पर विंदु ओसरंग के लास्ट के यहाँ पर जो कि दूसरे ओवर में हमें देखने को मिले थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 रन। और इसी के साथ दोस्तों हम फाइन यहाँ पर कर दिया है दोस्तों टाइम आउट की घोषणा। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और इस मैच में दोस्तों हम यहाँ से लेते हैं विदा। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच में जी यहाँ पर 19 तारीख को दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अपना ख्याल रखिएगा, सेकंड क्वालिफायर तब दोस्तों हम आपके साथ बनेंगे, तब तक दोस्तों लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर परसों।